My dear friends, as you know, the whole country and almost the whole world is affected by COVID-19 epidemic. All schools and colleges are closed according to government order. Therefore, in these circumstances, online teaching is necessary. We should also take interest seriously in these online classes for completing the syllabus on time. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, वर्तमान समय में पूरा भारतवर्ष और करीब करीब पूरा संसार कोरोना वायरस की वजह से COVID-19 नामक महामारी से पीड़ित है और ऐसी दशा में गवर्नमेंट के आदेश से सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। अतएव ऐसी परिस्थिति में स्कूल्स द्वारा ऑनलाइन टीचिंग कराई जा रही है और बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए ऑनलाइन टीचिंग जरूरी भी हो गई और आप लोगों को यह सुझाव दिया जाता है कि आप लोग इन ऑनलाइन टीचिंग के तहत जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं उसको आप लोग गंभीरता से लें और इसमें रुचि लें ताकि आप लोगों का सिलेबस टाइम से पूरा हो जाए। टुडे आई वांट टू टीच यू द थर्ड रिमेनिंग पोर्शन पार्ट 4 ऑफ द फर्स्ट चैप्टर रिवीजन। मतलब इसके पहले जो आपका चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर, उसके 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज उसका चौथा लेक्चर है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। मतलब रियल नंबर के बारे में 3 क्लासेज हो चुके हैं, आज चौथा क्लास है। अकॉर्डिंग टू दिस टीचिंग पॉइंट आई विल टेल यू द वेरियस स्टेज ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस गिवन इन एक्सरसाइज 1.2 एंड एक्सरसाइज 1.3 ऑफ द चैप्टर एंड आफ्टर दैट आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन द ईच स्टेप ऑफ सॉल्यूशन इन सिस्टमैटिक वे। यू शुड रीड एंड राइट द ईच स्टेप केयरफुली एंड लिसन केयरफुली about the steps of solution with the help of your smartphone or laptop। मतलब यह है कि इसके पहले के जो टर्म थे उसमें मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताया था, एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करना पूरा बता दिया था, एक्सरसाइज 1.2 के लगभग सारे क्वेश्चंस हो चुके थे, एक सवाल बचा हुआ था उसे आगे बताएंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 आज स्टार्ट की जाएगी। मतलब कि एक्सरसाइज 1.2 का जो लास्ट क्वेश्चन बचा था उसे आज बताएंगे और एक्सरसाइज 1.3 आज स्टार्ट कर देंगे और हर सॉल्यूशन के जो सारे स्टेप्स हैं उसे सिस्टमैटिक ढंग से बताया जाएगा। आप लोग भी हर स्टेप को ठीक से लिखें, पढ़ें और समझें और जो हर स्टेप के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे उसे ध्यान से सुने तो आपको पूरा सवाल और पूरे सवाल का सलूशन समझने में आसानी। इसी के तहत इन द सेम सीक्वेंस आई विल टेल यू एक्सरसाइज 1.2 लास्ट क्वेश्चन सेट। द क्वेश्चन इज एज लाइक दिस। जो इस एक्सरसाइज 1.2 का बचा हुआ लास्ट क्वेश्चन है वह इस प्रकार है। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field। मतलब एक वृत्ताकार मैदान है जिसका एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है। आगे while Ravi takes 12 minutes for the same, और उसी का एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लेता है। Suppose the both start at the same point at the same time। मान लीजिए कि दोनों बच्चे
एक ही बिंदु से और एक ही समय में और एक ही दिशा में चक्कर लगाना शुरू करते हैं. आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट. दोनों की स्पीड अलग अलग है तो कितने मिनट बाद दोनों एक दूसरे से मिल जाए, यही सवाल. मतलब सोनिया 18 मिनट लेती है चक्कर लगाने में और रवि 12 मिनट लेता है. अब दोनों एक ही जगह से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं तो कितने मिनट बाद दोनों एक जगह मिल जाएंगे. तो जो सवाल की भाषा है उससे स्पष्ट हो रहा है कि इसका हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. कम से कम की जहां बात होती है वहां एलसीएम निकालते हैं और अधिक से जहां बात होती है वहां एलसीएम फाइंड आउट करते हैं. तो सोल्यूशन ऐसे सुनिए. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 इज नीडेड फॉर सोल्यूशन. क्वेश्चन की भाषा के हिसाब से सोल्यूशन के लिए 18 और 12 के जो है एलसीएम निकालने होंगे. और भी कैसे? कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टराइजेशन मेथड से. ध्यान दीजिए, एलसीएम जब भी फाइंड आउट करते हैं तो कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं. और एलसीएम जब भी फाइंड करना होता है तो उसे केवल कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं. और एलसीएम के लिए डिवीजन मेथड भी है लेकिन एलसीएम के लिए डिवीजन मेथड नहीं है. फिर सुन लीजिए, एलसीएम जब भी निकालते हैं तो कॉमन एंड अनकॉमन प्राइम फैक्टर्स के द्वारा निकालते हैं. आते हैं 18 और 12 पे हम फैक्टर्स करेंगे 2 से. ये कॉमन फैक्टर है 2 9 या 2 6 या. फिर 2 से करेंगे तो यह 2 जो है कॉमन फैक्टर नहीं है, अनकॉमन फैक्टर है क्योंकि इस 2 से 9 डिवाइड नहीं हो रहा है. फिर 3 से करते हैं, यह 3 फिर कॉमन फैक्टर आ गया क्योंकि 3 9 को भी डिवाइड कर रहा है, 1 को भी डिवाइड कर रहा है. फिर अगेन 3 से करते हैं, यहाँ 3 जो है जो लास्ट 3 है वो अनकॉमन फैक्टर है क्योंकि 1 को डिवाइड नहीं कर सकता है, ओनली 3 को डिवाइड कर सकता है. तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो एलसीएम निकालते समय कॉमन और अनकॉमन दोनों तरह से प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं. और एट लास्ट एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 36. मतलब इस सारे प्रोसेस के द्वारा जो हमने एलसीएम निकाला वो 36 आया. फिर अगेन रिपीट कर दे रहे हैं, जब भी एलसीएम निकालना हो तो कॉमन और अनकॉमन दोनों प्राइम फैक्टर्स लेके चलेंगे तभी एलसीएम करेक्ट निकलेगा. और अभी एक सीरीज में और इस तरह से जो इसका 36 आंसर आ रहा है इसका मतलब यह हुआ कि 36 मिनट बाद दोनों बच्चे एक जगह मिल जाएंगे. इस तरह से एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया. अब आते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3 के बारे में जानते हैं. एक्सरसाइज 1.3 का जो पहला सवाल है, दिस इज अ वेरी टफ क्वेश्चन एंड दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. वेरी टफ क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, इसे ध्यान से देना सुनना होगा, समझना होगा. रूट दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. मतलब रूट 5 तो इरेशनल नंबर है लेकिन इसको प्रूव करना है, एक तरह से थ्योरम हो गया. दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन. सोल्यूशन, लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर. अब कैसे हम इसको प्रूव करते हैं, ध्यान से सुनिए. मान लेते हैं कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, जबकि है नहीं है लेकिन मान लेते हैं कि इरेशनल नंबर है. और रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी लगाते हैं, देयर फॉर रूट 5 विल बी अपॉन बी, क्योंकि रेशनल नंबर को हम अपॉन बी के रूप में लिख सकते हैं, ये रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है. दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 1, वेयर ए एंड बी आर टू प्राइम इंटीजर्स व्हिच हैव ओनली 1 इज ए कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, ए एंड बी हैव नो एनी अदर कॉमन फैक्टर. जब रूट 5 को हम रेशनल नंबर मानेंगे तो इसे अपॉन बी के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ए और बी जो होंगी को प्राइम नंबर्स होंगी. को प्राइम नंबर्स का मतलब होता है कि उनके 1 जो होंगे कॉमन फैक्टर होंगे और 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं, यही मतलब होता है. तो आगे बढ़ते हैं. बाय स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द एबव इक्वेशन नंबर 1. अब क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर 1 है ऊपर उसके दोनों साइड का हम स्क्वायर करेंगे. स्क्वायर करने पर रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और ए अपॉन बी का स्क्वायर जो हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. फिर देखिए, जब उसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो
वह इक्वेशन चेंज हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू फाइव स्क्वायर आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस विल बी द इक्वेशन नंबर टू। और इस इक्वेशन से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, वह इस प्रकार है, ए स्क्वायर हैज टू फैक्टर्स फाइव एंड बी स्क्वायर एंड ए हैज ऑल्सो ए फैक्टर दैट इज फाइव। मतलब इसका यह हुआ कि ए स्क्वायर के दो फैक्टर हुए फाइव और बी स्क्वायर। जब ए स्क्वायर का फैक्टर फाइव और बी स्क्वायर है तो ए का भी फैक्टर फाइव होगा, ए का भी फैक्टर क्या होगा फाइव। दिस इज द स्टेटमेंट नंबर थ्री नॉट इक्वेशन, दिस इज ए स्टेटमेंट नंबर थ्री नॉट इक्वेशन। एंड वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब जब हम इसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं, ए इक्वल टू हम फाइव एम कह सकते हैं, वेयर एम इज एन इंटीजर, ए को हम फाइव एम कहेंगे। बाय सब्स्टिट्यूटिंग ए इक्वल टू फाइव एम इन एबल इक्वेशन नंबर टू, जो ऊपर इक्वेशन नंबर टू है उसमें जब ए के जगह पर हम फाइव एम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस इक्वेशन का रूप ऐसा हो जाए, ए स्क्वायर के जगह पर हम क्या लिख देंगे फाइव एम का होल स्क्वायर, और इस साइड में फाइव बी स्क्वायर है, तो फाइव का स्क्वायर करेंगे 25 और एम का स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर। अब दूसरा काम क्या कर रहे हैं, जो राइट साइड की चीज है उसे लेफ्ट साइड में कर दे रहे हैं और लेफ्ट साइड की चीज को राइट साइड में कर दे रहे हैं। मतलब राइट साइड की चीज को हम लेफ्ट साइड में और लेफ्ट साइड की चीज को राइट साइड में, और उसके बाद जो लेफ्ट साइड का फाइव है उससे राइट साइड को हम डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू फाइव एम स्क्वायर। अब इस इक्वेशन से क्या निष्कर्ष निकालते हैं, इस इक्वेशन से साफ दिखाई दे रहा है कि बी स्क्वायर के फैक्टर एम भी हैं और एम स्क्वायर, बी स्क्वायर के फैक्टर क्या है एम भी है और एम स्क्वायर। देयरफॉर वी कैन से बी स्क्वायर हैज टू फैक्टर्स फाइव एंड एम स्क्वायर, क्योंकि फाइव भी है एम स्क्वायर है एंड बी हैज ऑल्सो ए फैक्टर दैट इज फाइव। जब बी स्क्वायर का एक फैक्टर फाइव है तो उसी का स्क्वायर रूट भी होता है, तो बी का भी एक फैक्टर फाइव होगा। दिस इज स्टेटमेंट नंबर फोर। अब आते हैं ऊपर जो स्टेटमेंट नंबर थ्री है और नीचे जो स्टेटमेंट नंबर फोर मिला उससे क्या हम निष्कर्ष निकालते हैं। फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर थ्री एंड फोर, मतलब कथन नंबर तीन और कथन नंबर चार, ए एंड बी बोथ हैज अ कॉमन फैक्टर फाइव ऑल्सो एक्सेप्ट देन वन। मतलब यह है जैसा कि हम शुरू में माने थे कि ए और बी के केवल एक ही फैक्टर होंगे वन, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं हो पाएगा, लेकिन यहां प्रूव करने पर फाइव भी एक फैक्टर आ गया, लेकिन यह कंट्राडिक्शन है। बट दिस कंट्राडिक्शन अराइजेज बाय अज्यूमिंग दैट रूट फाइव इज ए रेशनल नंबर, और यह कंट्राडिक्शन इसलिए पैदा हुआ कि हम रूट फाइव को रेशनल नंबर मान लिए थे, यानी कि एक असत्य चीज को सत्य मान लिए थे, रूट फाइव को हम क्या मान लिए थे रेशनल नंबर, इसीलिए कंट्राडिक्शन पैदा हुआ। Therefore, our assumption is wrong and root 5 is not a rational number. इसलिए हम साफ तौर पर कह सकते हैं इस contradiction को देखते हुए कि हम लोगों की जो कल्पना की गई थी वह गलत थी, और root 5 एक rational number न होकर के केवल irrational number है। मतलब our assumption is wrong and root 5 is not a rational number. It is only an irrational number, hence proved. That is all for today. And remaining portion of the chapter will be taught on next. यह एक बड़ा सवाल था, लॉन्ग क्वेश्चन था, एक थ्योरम था, और इस तरह का एक सवाल आप लोगों को होमवर्क में दिया गया है रूट सेवन को प्रूव करने के लिए, तो इसी के आधार पर आप लोग उसे भी करेंगे। My students, you should write the written matters in red color in your homework notebook.
for improvement of your spellings with the help of your smartphone. मेरे प्रिंसिपल आप लोगों को चाहिए कि जो आज ये टीचिंग लाइंस बताई गई हैं उसमें जो रेड कलर की टीचिंग लाइन है उसे आप लोग अपनी होमवर्क में जरूर नोट कर लें। नोट करने से आपका दिमाग कंसंट्रेट हो जाएगा और दिमाग कंसंट्रेट होने से और साथ ही साथ आपकी स्पेलिंग भी इम्प्रूव कर जाएगी। और ऐसा जब कर लेंगे तो MCQ और वर्कशीट का जवाब देने में आपको पूरी आसानी हो जाएगी। और इस कार्य के लिए आप या तो स्मार्टफोन का यूज करें या लैपटॉप का यूज करें या टैबलेट का यूज करें। लेकिन यदि लैपटॉप का यूज करते हैं चाहे जैसे भी हो तो आपको लिखने पढ़ने और सुनने में बड़ी आसानी होगी और आपका जो स्टडी होगा वो बहुत ही इंटरेस्टेड हो जाएगा। आफ्टर दैट यू शुड ऑल्सो ट्राई सॉल्व द MCQ एंड वर्कशीट प्रोवाइडेड बाय योर स्कूल एप। योर सॉल्यूशन शुड बी ऑनलाइन मेथड विद द हेल्प ऑफ योर स्कूल एप। तो रेड कलर की जो लाइन लिखने के बाद आप लोग अपने स्कूल ऐप के सहयोग से उसकी सहायता से MCQ और वर्कशीट जो दी जा रही है उसे सॉल्व करें और यह जो सोल्यूशन होगा आपका वो ऑनलाइन मेथड से होगा तभी उसको चेक किया जा सकेगा। और जो वर्कशीट है जब स्कूल खुलेगा तो उसे भी चेक कर दिया जाएगा। इसीलिए आप प्रॉपरली वर्कशीट करते रहें और नोटबुक अवश्य बना लें। और इन सब कार्यों के लिए आपको स्कूल ऐप पर जाना पड़ेगा, स्कूल के व्हाट्सएप से जुड़ना पड़ेगा, तभी आपको इसका लाभ मिल पाएगा। तो शुड ऑल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चन इन योर होमवर्क नोट पे फॉर रीजन पर्पस। और ऑनलाइन सोल्यूशन देने के बाद आपको इसे चाहिए कि आपने नोटबुक में वर्क होमवर्क नोटबुक में नोट कर लें ताकि आपको 10 दिन 20 दिन या 1 महीने बाद रिविजन करने में आसानी हो। माय डियर स्टूडेंट्स, स्टे एट होम, बी सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस एंड स्टडी विथ केयर। वेरी मच थैंक्स टू यू।